आयतुल्ला अंसारी हमदानी रहमतुल्ला अलैह, और एक जिक्र है जो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। इनके बारे में ये मिलता है कि अगर किसी की तस्वीर भी देख लेते थे तो बता देते थे कि ये कैसा निकलेगा। हत्ता कि यहां तक लिखा है कि अगर किसी इंसान को खड़ा कर दिया जाए और उसकी परछाई देख ले तो बता दें कैसा होगा। यानी इतना उबूर था, इतना इरफानी मंजिल पर ये फायज थे। ये अपने एक शागिर्द के साथ एक बयाबान से गुजरे तो खाने का वक्त हुआ, तो ये हुआ कि अब खाना बना लिया जाए। खाना बना लिया जाए, ठीक। इन्होंने अपने शागिर्द से कहा, एक काम करो, तुम जाओ जरा वो जिक्र करो जो जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम किया करते थे। कौन सा वो जिक्र है? ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। वो शागिर्द कहता है कि जब मैं सजदे में गया और इस जिक्र को करने लगा तो मेरे सामने से बरज़खी पर्दे हटा दिए गए। यानी इस जिक्र का कितना बड़ा फायदा है, मगर इंसान वही है कि रेगुलर करे। और उसके बाद खुद इन्हीं का बयान है, क्योंकि इसकी बात की जो बात है, आयतुल्ला उज़्मा जनाब अराकी, उनके एक दोस्त थे जो सैयद थे और बहुत मोहब्बत करते थे। ये खुद फरमाते हैं, मैं बहुत मोहब्बत करता था लेकिन वो बिना बताए मुझसे कहीं दूर चला गया। एक दिन, दो दिन, एक महीना, दो महीना, साल, जब साल और गुजर गया तो मुझे लगा कि लग रहा है कि इंतकाल कर गया, मुझे लग रहा है इंतकाल कर गया। लेकिन 6 साल के बाद जब मैं एक कब्र पर बैठ के फातिहा पढ़ रहा था इस आले सवाब का एहतमाम, तो यही वाला मेरा दोस्त आया, उसने मुझे सलाम किया। अब जो मैं पलट के देखा तो हैरान, इसलिए कि एक तो 6 साल के बाद मुलाकात, ऊपर से उसका चेहरा और एकदम बदला हुआ और काफी परेशान लग रहा। मैंने कहा क्या हुआ, कहाँ थे, क्या हुआ? कहा मेरे मग्ज में, मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है कि जिसकी वजह से मैं शहर से इस शहर, उस शहर से इस शहर इलाज कराते फिर रहा हूं और मेरा इलाज नहीं हो रहा, मुझे शफा नहीं मिल रही। तो खुद फरमाते हैं कि मैंने उससे कहा कि 40 रोज तक, मुसलसल 40 रोज तक तुम क्या करो, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, ये विर्द करो। अब इस किताब में ये नहीं लिखा कि कितनी बार करें, लेकिन शर्त ये लगाइए कि खुलूस के साथ करें। अब इनका ये दोस्त सैयद कहता है कि जब तकरीबन 20वां दिन आया और मैं रात में इस तस्बीह का विर्द कर रहा था, कितने में मेरे सामने से बरज़खी पर्दा हटा। अब जब हटा तो मैंने क्या देखा कि बहुत सी मखलूकात हैं, बहुत से फरिश्ते हैं जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। उन्हीं में से एक फरिश्ते ने मुझे देखा, जब नजर से नजर मिली तो वहीं से पूछ लिया, क्या चाहते हो? मैंने कहा मैं बीमार हूं, मुझे शफा चाहिए। उस फरिश्ते ने जब मुझे देखा, मैंने इशारा किया कि यहां, यानी मग्ज में, तो उसने मेरी इस तरफ देखा और देखने के बाद कहा कि तुम्हें शिफा मिल गई, और ये कहे कि चला गया। जब चला गया तो बरज़खी पर्दा फिर, अब हमने, भाई देखिए, आपको मुसलसल अगर पैर में दर्द हो रही है और एक बैग वो ठीक हो जाए तो पता लगेगा या नहीं लगेगा? तो उसने कहा कि मुझे फौरन ये फील हुआ कि जितनी मुझे प्रॉब्लम थी, दर्द वर्द, वो कुछ नहीं हो रहा। मैं भागा हुआ गया जल्दी से कि भाई मेरा फिर से टेस्ट किया जाए, देखा जाए क्या है। अब जब डॉक्टरों ने मुआयना किया तो कहा था जैसा लगता कुछ था ही नहीं तुम्हें, सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद।